हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी स्वीट स्टाइल। पाव भाजी सभी की बहुत फेवरेट होती है, बच्चों को ये बहुत पसंद होती है और हम घर में ही पाव भाजी एकदम स्वीट स्टाइल बना सकते हैं। चलिए तो फिर जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों का एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई को एक मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दिया है। गैस पे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। 1/2 कप मैं बारीक चॉप करी हुई इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है वो भी डाल दिया है और 1/2 कप उबली हुई मटर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। स्पैचुला की हेल्प से इन्हें हम अच्छे से मैश करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक भी मैं डाल दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और इसे हम फिर से एक बार चला लेंगे और मैश करेंगे। इसमें 1/2 कप मैं उबली हुई कॉलीफ्लावर भी डाल रही हूँ जिसे मैंने मैश कर लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 मीडियम साइज के आलू हैं जिसे मैंने उबाल के अच्छे से मैश कर लिया है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। सभी सब्जियों को अच्छे से एक बार चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ जिससे बहुत अच्छा कलर आता है। 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें बटर भी ऐड कर रही हूँ। मसालों को सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाव भाजी अच्छी बने इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्जियाँ बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएँ। या तो आप पोटैटो मैशर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो इस तरह की मथानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छे से सब्जी मैश हो जाती है। ये देखिए सब्जियां बहुत ही अच्छे से मैश हो गई हैं। अभी इन्हें हम एक अलग बोल में निकाल लेंगे और पाव भाजी बनाने के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मैं डालूंगी और थोड़ा सा बटर मैं इसमें डाल दूंगी। रिफाइंड ऑयल इसलिए ज़रूरी होता है बटर के साथ ताकि वो जले नहीं। मैं 1 बड़ा प्याज में बारीक कटा हुआ वो भी इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इसे ट्रांसलूसेंट करना है। अब इसमें 1 चम्मच में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दूंगी। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि देगी मिर्च फिर से डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और 1 चम्मच में पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें डाल रही हूँ। सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हमें इन्हें भूनना है। सभी मसाले अच्छे से यहाँ पर भुन गए हैं। अब इसमें जो हमने सब्जियों का मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें हम मिला देंगे। सब्जी और मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और सबको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। पाव भाजी में एकदम स्ट्रीट स्टाइल कलर लाने के लिए आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें फूड कलर इस समय नहीं डाल रही हूँ। भाजी बनके ऑलमोस्ट रेडी है। अब बस हमें इसे थोड़ा सा और मैश करना है और थोड़ा सा हमें पतला करना है क्योंकि भाजी इस समय बहुत गाढ़ी है। एक बार हम इस तरह फिर से मथानी से अच्छे से इसे मैश कर लेंगे और इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे। अगर हम एक साथ बहुत सारा पानी डाल देंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा और सब्जियां भी और मैश नहीं होंगी। बस इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना है। इस समय भाजी बनके एकदम तैयार है। इतनी पतली भाजी ही मुझे चाहिए। मैं पाव को सेक लेती हूँ फटाफट। अब तवे पे मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी मैं इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब पाव को इस तरह से बीच में काट के दोनों तरह से हम इसे बटर में सेक लेंगे। देखिए इस तरह से
बहुत ज़्यादा हमें इसे टोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसे गर्म करना है। पाव भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, भाजी भी एकदम तैयार है। चलिए अब जल्दी से इसे प्लेट आउट करते हैं। गर्मा गर्म पाव भाजी बनके एकदम तैयार है सर्व के लिए। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।